नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान जारी है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल और असम की कुल 77 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें बंगाल की 30 और असम की 47 सीटें शामिल है। बंगाल में जिन 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से 26 सीटें 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के खाते में गई थी। असम में पहले फेज में ही मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मैदान में है। वहीं बंगाल और असम की 77 सीटों पर 455 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों राज्यों में 1,54,00,000 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। बंगाल में पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद चुनाव आयोग भी सख्त नजर आ रहा है। दोनों राज्यों में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। बंगाल में केंद्रीय पुलिस बल की 730 कंपनियां तैनात हैं, बल्कि एक कंपनी में 100 पुलिस कर्मी हैं। बंगाल में पहले फेज के दौरान सुरक्षा की कमान 73,000 पुलिस कर्मियों के हाथों में है।